हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इसमें आलू टेस्ट पे, जहाँ पर आज अगेन आपके साथ शेयर करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। होली स्पेशल झटपट बन जाने वाला मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्पेशल रंग बिरंगा नाश्ता, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में हम ले रहे हैं पूरा 1.5 कप सूजी यानी रवा। पूरा 1.5 कप यहाँ पर हमने लिया है। आप जिस भी कटोरी के नाप से लेते हैं उसी कटोरी के प्रपोर्शन से आपको सारा काम करना है। पूरा 1/2 कप यहाँ पे हमने लिया है ताज़ा दही। अगर दही आपका हल्का सा खट्टा है तो भी चलेगा, ज़्यादा खट्टा दही का यूज़ मत करिएगा। तो यहाँ पे हम साथ में ही ले रहे हैं पूरा 1/2 कप पानी। यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी सूजी के लिए हमने 1/2 कप दही लिया है और पूरा 1/2 कप पानी लिया है। बिल्कुल अच्छे से पहले 1/2 कप पानी के साथ इन्हें मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारा अच्छे से तीनों ही चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, यहाँ पर हम अगेन ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। यानी टोटल हमने 1.5 कप सूजी के लिए, 1/2 कप दही और अभी 1 कप पानी डाल के इसे सोक करने के लिए रख देना है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस अभी इस कंसिस्टेंसी में हम इसे पूरे 1/2 आवर के लिए सोक होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। और पूरे 1/2 आवर बाद आपको देखेंगे कि सूजी आपकी अच्छे से फूल गई है, बैटर हमारा अच्छा काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो बस अब इस लेवल पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे और पानी। पानी ऐड करने से पहले यहाँ पे अभी हमने 1/2 चम्मच नमक डाल के मिक्स कर लिया था और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी, ज़्यादा नहीं, बस 1/2 कप से भी आधा पानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। यानी करीब 1/4 कप पानी हमने यहाँ पे ऐड किया है और बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। हमने बस 1/4 कप पानी ही लिया था, सारा ही पानी यहाँ पर ऐड कर दिया है और यही कंसिस्टेंसी हमने बैटर की चाहिए। और बस अब हमने हमारे इस बैटर को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आपके पास जो भी कलर हो आप उसके अकॉर्डिंग से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने करीब 3 से 4 चम्मच लेते हुए 1 कटोरी में 6 कटोरी बनाई है हमारे इस बैटर की, जिसमें से सफ़ेद वाला पार्ट हमने अलग रख दिया है। और यहाँ 5 कटोरी में ऐड करेंगे हम फूड कलर। आपके पास जो भी फूड कलर अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 में ग्रीन, 1 में ऑरेंज और 1 में डाला है येलो कलर। और बिल्कुल अच्छे से हमने इन तीनों ही कलर को सबसे पहले मिक्स कर लेना है। ज़्यादा फूड कलर की नीड महसूस नहीं होगी, बस 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालते हुए मिक्स कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छा कलर आपका आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 कलर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। हमारे पास ये 3 कलर ही अवेलेबल थे तो बस हमने इन्हीं का यहाँ पर यूज़ करा है, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। अब एक बाउल में यहाँ पर हमने ऐड करा है ग्रीन कलर और साथ में ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे येलो कलर। और दोनों ही कलर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है थोड़ी सी इसकी शेड को चेंज करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन शेड दोनों में ही काफ़ी अंतर है, एक थोड़ी डार्क है तो एक थोड़ी लाइट है। तो हमारी ये दोनों ही कलर की शेड्स हमने मिक्स कर ली हैं। और यहाँ पे लास्ट बाउल में हम ऐड कर रहे हैं अगेन ग्रीन कलर की कुछ ड्रॉप्स और साथ में ही ऑरेंज कलर की कुछ ड्रॉप्स। और बस इन्हें भी बिल्कुल हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बस कलर में वेरिएशन लाने के लिए हमने इस तरह से करा है। अगर आपके पास कुछ और भी कलर्स अवेलेबल हों आप उनका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। हमने इन तीनों ही कलर से अपने 5 कलर बना के तैयार कर लिए हैं और एक है हमारे पास हमारा प्लेन वाइट बैटर। और हम सारी ही बाउल्स में ऐड कर रहे हैं इनो यानी फ्रूट सॉल्ट यहाँ पे हमने ऐड करा है। 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है ये, पूरा 1/4 चम्मच भी हमने एक बाउल में ऐड नहीं करा है, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है। और बस हल्के हाथों से हमने सारे ही बाउल्स में फ्रूट सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, एक एक करते हुए यहाँ पे हमने सारे ही बाउल्स में इनो को मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे हमारे 2 बर्तन ग्रीस करके रखे हैं। हम हमारे आज की रेसिपी को 2 तरीके से बनाएंगे। एक हमने यहाँ पे ग्रीस करके रखा है इडली स्टैंड, जिसमें हम 1/2 चम्मच डालते हुए हमारे सारे ही कलर्स के बैटर को अच्छे से फिल कर देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा कलर और टेक्सचर हमारे इस नाश्ते में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा बैटर हमने नहीं फिल कर रहे, बस 1/2 चम्मच करीबी हम बैटर को फिल कर रहे हैं। और किस तरह से फिल कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर लेते हुए हमने सभी कलर्स का इस तरह से इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। और बस इसी तरह से हमने पूरे डिश स्टैंड के सारे ही प्लेट्स को हमारे इस बैटर से डेकोरेट कर लेना है, इस बैटर से फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर अभी से कितना अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा था। जब पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हमने 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है।
दूसरा बर्तन यहाँ पे हमने ग्रीस करा है किस तरह का मोल्ड, इसे भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और सारा ही बैटर, बचा हुआ बैटर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी हमने बीच में लिया है वाइट कलर का बैटर और चारों ही तरफ हम यहाँ पे बचे हुए हमारे और कलर्स के बैटर को यहाँ पे फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को स्टील के बाउल्स में भी बना सकते हैं या स्टील की प्लेट जो बिल्कुल गोल तले की होती है उसे भी आप यहाँ पे लेके इस बैटर को उस पर स्प्रेड करके इस तरह से ही इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारा ही बैटर इस बर्तन में डाल दिया है। थोड़ा सा बस इसे अच्छा सा लुक देने के लिए हमने टूथपिक की हेल्प से इस तरह से इस पर डिज़ाइन बना दिया है। टोटली ऑप्शनल है ये, बस हमने जैसे एक अच्छा सा लुक देने के लिए इस पर बनाया था। फ्रेंड्स, आपके पास ढोकला बनाने वाला मोल्ड हो तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं, उसमें भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। हमने इस तरह के मोल्ड में इसे स्प्रेड करा है और इसे भी स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने रखा है एक बड़ा बर्तन। हमने यहाँ कढ़ाई ली है जिसमें हमने पानी को बिल्कुल अच्छे से गर्म करके इस बर्तन को रख दिया है और इसे भी हमने पूरे 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे भी ढक के रख दिया है तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं हमारे इडली स्टैंड वाले बैटर को रखे हुए। एक बार इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक से ही, आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ही अमेजिंग लग रहा है। और बस टूथपिक से हमने चेक करना है कि बिल्कुल भी बैटर हमारा निकल के बाहर नहीं आना चाहिए। अगर बैटर हल्का सा भी निकल के आता है बाहर तो आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के और रख सकते हैं। निकाल के रख देंगे इसे भी और दूसरी तरफ हमारा 15 मिनट में ये वाला बैटर भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं टूथपिक की हेल्प से कि इसमें से भी बिल्कुल भी बैटर बाहर निकल के ना आ रहा हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों ही बर्तन को करीब 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम डीमोल्ड करेंगे हमारे दोनों ही बर्तन के नाश्ते को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम हमारे इडली स्टैंड वाले इस नाश्ते को डीमोल्ड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ईजिली डीमोल्ड हो रहा है, बिल्कुल भी बर्तन पर नहीं चिपक रहा। होली के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली, गेस्ट के सामने सर्व करना हो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ उन्हें अमेजिंग सा सरप्राइज देना हो तो आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये नाश्ता अच्छे से डीमोल्ड हो रहा है यानी अच्छे से कुक हुआ हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये नाश्ता सर्विंग के लिए तैयार है जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना अमेजिंग, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। दूसरी तरफ चलेंगे जहाँ पर हमारा ये वाला नाश्ता भी अच्छे से डीमोल्ड होने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं साइड्स को आराम से छोड़ रहा है, ये साइड से अलग हुआ हुआ है यानी डीमोल्डिंग के लिए तैयार है। बस आपको इसे एक बार इस तरह से डीमोल्ड कर लेना है तो आराम से उतर जाएगा, बिल्कुल भी बैटर नीचे नहीं चिपका रहेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से हमारा ये उतर गया है। अगर आप नाइफ से भी करते हैं तो नाइफ की पैनी साइड से ना लेके दूसरी साइड से आप इसकी हेल्प से इसे डीमोल्ड कर सकते हैं और बस इसे भी हमने कट कर लेना है। आप इसे अपने मनचाही शेप में कट कर सकते हैं, हमने बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह से कट करा है ट्रायंगल्स में। आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं ये भी अच्छे से कुक्ड है, अच्छी जालियां आई हुई हैं हमारे इस नाश्ते में भी, उसी तरह से जो हमने इडली स्टैंड में बनाया था उस नाश्ते में भी हमारी अच्छी जालियां आई हुई थी। बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट है अंदर तक, काफ़ी फ्लफी नाश्ते हमारे दोनों ही बनकर तैयार हुए हैं। हमने हमारे आधे नाश्ते को इसी तरह से सर्व करा है और आधे नाश्ते को हमने करा है घी में फ्राई। आप चाहें तो इसे सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सॉस, चटनी, नारियल की चटनी किसी के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है आपका ये नाश्ता। तो फ्रेंड्स, होली पर अगर आप भी अपने गेस्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कलरफुल बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्पॉन्जी, कितनी फ्लफ़ी हमारी ये दोनों ही रेसिपी बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने करीब 3 से 4 चम्मच घी लिया है, उसमें हमने राई के चटकने के बाद कड़ी पत्ता ऐड किया और ऐड कर दिया हमारा आधा ये नाश्ता। साथ में ही हमने 1 चम्मच करीब यहाँ पे ऐड किया है सांभर मसाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं या चाहे तो और मसाले भी ऐड करके इन्हें घी में फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।